नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंट्स टीवी में। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 29 और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आज से हम एडमिशन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक में ले रहे हैं चेंज इन PSR। पहला टॉपिक कौन सा हमारा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कैलकुलेट करना है हमें। इसमें न्यू रेशियो निकाल ली है। इसके जितने भी केसेस बनते हैं सारे के सारे केसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, एक एक केस करेंगे हर एक वीडियो में। पहले केस को समझाऊंगा, उसका एक क्वेश्चन करेंगे, देन आपको बताऊंगा कि आप भी घर से कौन से मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों हम अपना केस फर्स्ट देखते हैं क्या है। देखो केस फर्स्ट में क्या है, वेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर आपको गिवन है, बट सेक्रीफाइस इज मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट गिवन। यानी कि कहने का मतलब, मान के चलो ए और बी दो पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर्स है, ठीक है, और इनकी रेशियो 2:1 है और सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझ लो, पहला केस जब आपको दोनों ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी और जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर दे दिया और कुछ भी नहीं दिया और कह दिया फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के केस में किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक, वो मैं आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन की मदद से करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको मिटा देता हूँ। ध्यान रखना कि जब आपको ओल्ड पार्टनर की सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर, बस ये चीज़ रखिए। तब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, पेज नंबर 5.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, TS ग्रेवाल 2019 एडिशन। बुक है तो बुक में देख लो, अदरवाइज क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, X, Y एंड Z आर थ्री पार्टनर्स, यानी कि क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, X, Y एंड Z आर थ्री पार्टनर्स, उनकी रेशियो दे रखी है 5:3:2। उसके बाद कह रहा है दे एडमिट A इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि एक पार्टनर है A, ये एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक, ये एडमिट हो रहा है और इनकी ओल्ड रेशियो, और कह रहा है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली है हमें। देखो करना किस तरीके से है, सबसे पहले क्या करोगे, टोटल शेयर को मानोगे 1। ध्यान से समझना किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेट टोटल शेयर हम मानेंगे 1, ठीक, उसमें से 1/5 यानी कि 1/5 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा आपका 1-1/5, टोटल शेयर 1 है मान के चलो और उसमें से 1/5 इसको दे दोगे तो कितना शेयर बचेगा, 5-1 विच इज इक्वल्स टू 4/5, ये हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। अब इस रिमेनिंग शेयर को ये अपनी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एक्स वाई एंड जेड 4/5 का 5/10 वो लेगा, 4/5 का 3/10 वाई लेगा एंड 4/5 का 2/10 जेड को मिलेगा, ठीक है, रिमेनिंग शेयर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो ये हो जाएगा 20/50, ये हो जाएगा 12/50, ये हो जाएगा 8/50। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तो किस तरीके से करना है, देखो 50 हमारा LCM आएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y, Z एंड A, चार पार्टनर हो गए ना, तो 50 हमारा LCM आ जाएगा क्योंकि 50 हमें कॉमन रखना है, तो 20:12 8 इसकी। अब देखो ये 1/5 है तो इसको 50 करने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 10 जा और यहाँ हो जाएगा 10। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है तो कैसे करोगे, देखो 20+10 30, 30+12
42 + 8 = 50, यानी कि जो रेशियो का सम है वो डेनोमिनेटर के इक्वल आ गया, तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन ठीक है। तो जो रेशियो निकल के आएगी वो आएगी 20:12:8:10। अब एक बात देखो, ये 2 से कट जाएंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर 2 से काटूंगा तो 10:6:4:5। दिस इज आवर रेशियो एंड दिस इज आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों केस फर्स्ट समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। ठीक, केस फर्स्ट में सिर्फ यही ध्यान रखना है जब आपको ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा टोटल शेयर लेना है 1 और उसमें से रिमेनिंग शेयर को बांट देना है तीनों पार्टनर में और इनका रेशियो निकाल देनी है। होपफुली दोस्तों केस मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट केस लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में या फिर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता देना, जो इससे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा केस सेकंड उसमें आपको बता दूंगा। तब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जरूर। ठीक है, सेहत का ध्यान रखना, गुड बाय, टेक केयर।